हेलो एवरीवन, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। फिर शुरू करेंगे आज की हमारी धमाकेदार क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पीछे जेट में बार बार पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और साथ ही ये एक टेस्ट सीरीज है, इसमें पहले मैं क्वेश्चन करूँगा उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 सेकंड का समय दिया जाएगा और उसके बाद में इसका आंसर मैं खुद बताऊँगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अष्टक का नियम किसने दिया था, अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए है कोसल, ऑप्शन बी है न्यूलैंड, ऑप्शन सी है डॉल्टन और ऑप्शन डी है वंडरवाल्स। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। अष्टक का जो नियम था वो किससे संबंधित था, वो आवर्त सारणी से संबंधित था, और अष्टक के नियम का आंसर आपको बताना है। जिसने भी इसका आंसर दिया है ऑप्शन बी वाला आंसर, जो न्यूलैंड जिसने भी इसका आंसर दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो देखिए जो अष्टक का नियम दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था सबसे पहले न्यूलैंड ने। अब अष्टक का नियम था उसके अनुसार क्या था, उसके वो नियम था उसमें ये था कि जब भी कुछ तत्वों को हम उनके परमाणु भार के आधार पर या परमाणु भार के आधार पर हम उनको किसी क्रम में जमाते हैं, तो जब उनको हम जमाते हैं तो जो सबसे पहला जो तत्व होता है वो उनके रासायनिक और भौतिक गुणों में उसके 8वें गुण से क्या करता है, बिल्कुल सिमिलर होता है या समान होता है। तो जो पहला जो तत्व होता है वो उनके 8वें तत्व से क्या करता है, भौतिक और रासायनिक गुणों में सेम होता है, इसीलिए इसको अष्टक का नियम भी बोला जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अष्टक का नियम भी बोला जाता है। किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन थे, आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन थे। ऑप्शन ए मेंडलीफ, ऑप्शन बी अर्नाल्ड रिबन, ऑप्शन सी डॉल्टन और ऑप्शन डी मोसेल। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर। 4 सेकंड का समय है आपके पास। जिसने भी इसका आंसर दिया है मेंडलीफ, ऑप्शन ए वाला जिसने भी इसका आंसर दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। आवर्त सारणी के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, मेंडलीफ थे। कौन थे, आवर्त सारणी के खोजकर्ता थे, मेंडलीफ थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन थे, आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन थे। देखो जो आवर्त सारणी थी वो पहले खोजी गई थी मोसेल के द्वारा, फिर उसके बाद में उसमें कुछ बदलाव किए गए और वो बदलाव जो किए थे वो किस वैज्ञानिक ने किए थे। तो ऑप्शन ए मेंडलीफ, ऑप्शन बी अर्नाल्ड रिबन, ऑप्शन सी डॉल्टन और ऑप्शन डी मोसेल। तो ये चारों ऑप्शन हैं। 4 सेकंड का समय है, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मेंडलीफ, अर्नाल्ड रिबन, डाल्टन और मोसेल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा मोसेल। जिसने भी इसका राइट आंसर दिया है डी, वो बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी तक कुल कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, अभी तक कुल कितने तत्व खोजे जा चुके हैं। ऑप्शन ए 118, ऑप्शन बी 98, ऑप्शन सी 108 और ऑप्शन डी 128। तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। 4 सेकंड का समय है आपके पास। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको। जिसने भी आंसर दिया है ए आंसर बिल्कुल राइट है, ए आंसर बिल्कुल राइट है 118। कितने तत्व खोजे जा चुके हैं अभी तक जो तत्व खोजे जा चुके हैं वो 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कम कठोर है। देखो ये जेट में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कम कठोर है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी बेरिलियम और ऑप्शन डी कार्बोरेंडम। तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी बेरिलियम और ऑप्शन डी कार्बोरेंडम। तो
जिसने भी इसका राइट आंसर दिया है ऑप्शन बी, जिसने भी दिया है ग्रेफाइट, वो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रेफाइट, जिसने भी दिया है राइट आंसर वो बिल्कुल राइट है। बिल्कुल ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट सबसे कम कठोर होता है, हीरा बेरिलियम और कार्बोरेंडम क्या है ये तीनों ही कठोर है, जबकि जो ग्रेफाइट है वो कठोर नहीं होता है। और ग्रेफाइट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किस में किया जाता है, वो किया जाता है पेंसिल बनाने में और विद्युत परिपथ में भी इसका उपयोग किया जाता है और स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। स्नेहक का मतलब होता है जो कहीं भी जहां पर चिकनाई की आवश्यकता होती है वहां पर क्या किया जाता है, ग्रेफाइट के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। कभी आपने देखा होगा कि जब आप पेंसिल की जो टॉप होती है, निप होती है, उसको छूते हो तो वहाँ पर कुछ चिकना सा महसूस होता है, वो चिकना सा इसीलिए महसूस होता है क्योंकि ग्रेफाइट एक अच्छे स्नेहक का उदाहरण है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है अकार्बनिक बेंजीन का सूत्र है, अकार्बनिक बेंजीन का सूत्र है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है पीछे जेट में 3-4 बार। आराम से आपको इसके जो आंसर हैं वो आराम से देना है, ऑप्शन पढ़ के देखो। पहला ऑप्शन है H2 ऑप्शन, दूसरा है B3N3H6, ऑप्शन सी है B2H6 और ऑप्शन डी है BH3। तो इसका आंसर आपको देना है, 4 सेकंड का समय है आपके पास, 4 सेकंड का समय है आपके पास। ऑप्शन है HS2, ऑप्शन बी B3N3H6 और ऑप्शन सी B2H5 और ऑप्शन डी BH3। तो जिसने भी इसका राइट आंसर दिया है, बी वाला जो राइट आंसर दिया है B3N3H6, बिल्कुल राइट है आपका सवाल, आपका जवाब बिल्कुल राइट है। तो B3N3H6 क्या है, अकार्बनिक बेंजीन का सूत्र है, किसका सूत्र है, अकार्बनिक बेंजीन का सूत्र है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है पीएच स्केल की खोज किसने की थी, पीएच स्केल की खोज किसने की थी। पीएच स्केल क्या होता है, किसी भी पदार्थ की रासायनिक प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी को जांचने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है वो कौन सी स्केल कहलाती है, वो कहलाती है पीएच स्केल। अगर पीएच स्केल की परिभाषा पूछ ली जाए तो वो क्या कहलाएगी, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉगरिथम को क्या कहेंगे, ऋणात्मक लॉगरिथम को हम क्या कहेंगे, पीएच कहेंगे। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉगरिथम को हम क्या कहेंगे, पीएच कहेंगे। अब देखो पीएच स्केल की खोज किसने की थी, ऑप्शन है सोरेनसन, ऑप्शन बी सेल्सियस, ऑप्शन सी डॉल्टन और ऑप्शन डी जो है वो है आर्नोन। तो किसने की थी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, 4 सेकंड का समय है आपके पास, कमेंट करके बताइए जल्दी से। जिसने भी इसका राइट आंसर दिया है, ए वाला आंसर दिया है, बिल्कुल उनका आंसर राइट है, जो ए आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है, सोरेनसन ने। पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। और पीएच जो स्केल होती है उस पर 0 से लेकर 14 तक क्या लगे होते हैं, पॉइंट्स लगे होते हैं, 0 से 14 तक का इनका जो अंक लगे, अंक उस पर बने हुए होते हैं, और जो बीच के अंदर एक अंक होता है वो होता है 7, और 7 पर उदासीन होता है, और 7 से कम वाले जितने भी रासायनिक विलयन या जितनी भी रसायन वाली चीज़ें होती हैं वो होती हैं सबसे अधिक अम्लीय या अधिक अम्लीय होती हैं, और 7 से ऊपर की जितनी भी जो रासायनिक चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, क्षारीय होती हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। फिर इसके अंदर 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, तीनों में बता देता हूँ। देखो ये जो आर्नोन नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। कितनी होती है, 16 होती है। वैसे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 17 होती है, क्योंकि उसके बाद में एक तत्व और खोज लिया गया जिसका नाम है निकल, और निकल की आवश्यकता होती है धान को, इसलिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है 17। कितनी होती है, 17। 17वां पोषक तत्व कौन सा है, निकल है, जो धान को जरूरी होता है, धान के निकल की आवश्यकता होती है। फिर बात करते हैं सेल्सियस की। तो सेल्सियस क्या है, तापमान को मापने की इकाई होती है सेल्सियस, तापमान को मापने की इकाई होती है सेल्सियस, और एक सेल्सियस नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इजाद किया था। तो पीएच स्केल के बारे में उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेफाइट को निम्न में से किस काम में नहीं लिया जा सकता। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ग्रेफाइट को निम्न में से किस काम में नहीं लिया जा सकता। ऑप्शन ए स्नेहक, स्नेहक का मतलब आप मैंने पहले समझाया था आपको, स्नेहक क्या होता है, किसी भी पदार्थ में चिकनाई या चिकनाई डालने के लिए क्या किया जाता है, स्नेहक का उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा क्या है, कांच काटने के लिए। फिर तीसरा है पेंसिल, और फिर चौथा क्या है, विद्युत परिपथ के लिए। तो ऑप्शन चारों आपके सामने है, 4 सेकंड का आपके पास समय है, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऑप्शन ए स्नेहक, ऑप्शन बी कांच काटना, ऑप्शन सी पेंसिल और ऑप्शन डी विद्युत परिपथ।
तो जिसने भी इसका राइट आंसर दिया है, बी वाला जो आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। कांच काटने में, कांच ग्रेफाइट से कांच को नहीं काटा जा सकता। क्यों क्यों नहीं काटा जा सकता? क्योंकि कांच कठोर होता है और ग्रेफाइट कठोर नहीं होता है। ग्रेफाइट एक जो धातु होती है, धातु तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, सरल होता है, जटिल स्वभाव का नहीं होता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्नेहक के रूप में किया जाता है, पेंसिल बनाने में किया जाता है, और ये विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए कहीं कहीं पर विद्युत परिपथ में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र होगा, फिटकरी का रासायनिक सूत्र होगा। तो देखो ये थोड़ा टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, बाकी लिखा हुआ ये सही है। देखो ये फोटोशो हो रहा है इस प्रकार का, तो ये ऐसे लिखा हुआ होगा। तो आप बता दीजिए मेरे को कि ए बी सी डी इनमें से कौन सा जो होगा रासायनिक सूत्र होगा। देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको इसका आंसर। जो इसका आंसर है वो ए होगा, K2SO4Al2SO4 24H2O। तो फिटकरी का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, K2SO4Al2SO4 24H2O। ये सबसे लंबा फॉर्मूला होता है और ये जेट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है ये। तो थोड़ा आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है, तो ध्यान से देख लीजिएगा थोड़ा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मेंडलीव की आवर्त सारणी निर्भर करती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी निर्भर करती है। ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन सी परमाणु आयतन, और ऑप्शन डी परमाणु आकार। आपको 4 सेकंड का समय है, इसका आंसर बताना है आपको। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, आयतन और आकार, 4 सेकंड का समय दिया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर निर्भर है बताना है आपको। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर निर्भर है आपको बताना है। तो जिसने भी इसका आंसर दिया है ए, ऑप्शन ए जिसने भी इसका आंसर दिया है, परमाणु द्रव्यमान, बिल्कुल सही आंसर है परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर निर्भर है? परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? परमाणु द्रव्यमान पर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मोजेल की आवर्त सारणी निर्भर करती है। देखो जो मोजेल की आवर्त सारणी है वो क्या है, उसको आधुनिक आवर्त सारणी भी बोला जाता है। तो मोजेल की आवर्त सारणी क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी भी है। और मोजेल की आवर्त सारणी किस पर निर्भर करती है? तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था मेंडलीव की आवर्त सारणी। किसकी पढ़ी थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी हमने पढ़ी थी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी तो किस पर निर्भर थी? द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर थी? द्रव्यमान पर निर्भर थी। अब मोजेल की आवर्त सारणी बतानी है आपको। 4 सेकंड का समय है। तो जो मोजेल की आवर्त सारणी है वो किस पर है? वो परमाणु संख्या पर निर्भर है। जिसने भी ये आंसर दिया है ऑप्शन बी वाला, उनका बिल्कुल सही है, परमाणु संख्या पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? मोजेल की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर निर्भर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मृदा की अम्लीयता को दूर किया जा सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन है तो वैसे ये केमिस्ट्री का है, लेकिन ये एग्रीकल्चर से भी रिलेट करता है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। अब पूछा गया है कि मृदा की जो अम्लीयता है वो किससे दूर की जा सकती है? तो ऑप्शन ए है चूना, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी चूना पत्थर, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 4 सेकंड का समय है, आपको बताना है इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। तो जिसने भी इसका आंसर दिया है उपयुक्त सभी वाला, यानी कि ऑप्शन डी जिसने भी दिया है बिल्कुल राइट है। जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल राइट है। चूना, उसी को कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, उसी को चूना पत्थर भी बोला जाता है, और इसका एक और नाम है CaCO3, इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ आ सकता है। तो मृदा की अम्लता को कौन दूर करता है? चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर या CaCO3। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि मृदा की क्षारीयता को दूर करता है, मृदा की क्षारीयता को दूर करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाता है? उसका आंसर हो जाता है जिप्सम। क्या हो जाता है? जिप्सम, जिसका CuSO4.H2O बोला जाता है, जिसको बोला जाता है CuSO4.H2O। तो ये बिल्कुल बार बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से सफेद सोना किस तत्व को बोला जाता है? सफेद सोना किस तत्व को बोला जाता है? ऑप्शन ए चूना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी सफेद फास्फोरस। आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताइए जल्दी से, 4 सेकंड का समय है। तो जो सफ़ेद सोना बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? जिसने भी इसका आंसर दिया है सी, बिल्कुल राइट है। जी हाँ बिल्कुल राइट है आपका आंसर, प्लेटिनम। प्लेटिनम को क्या बोला जाता है? सफ़ेद सोना बोला जाता है। प्लेटिनम को क्या बोला जाता है? सफ़ेद सोना बोला जाता है।
किस में बोला जाता है? रसायन विज्ञान में बोला जाता है। रसायन विज्ञान में सफ़ेद सोना क्या होगा? प्लेटिनम धातु सफ़ेद सोना कहलाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में सफ़ेद सोना कौन होती है? एग्रीकल्चर में सफ़ेद सोना होती है कपास। क्या होती है? कपास सफ़ेद सोना कहलाती है। कपास सफ़ेद सोना कहलाती है। और रसायन विज्ञान में जो सफ़ेद सोना कहलाएगी वो कहलाएगी प्लेटिनम, क्योंकि इसका रंग जो होता है सफ़ेद होता है, और इसकी जो प्रकृति और इसकी जो वैल्यूएशन होती है वो एक महंगी धातु के रूप में इसको गिना जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सफ़ेद सोना बोला जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ऑयल ऑफ विट्रोल किस तत्व को बोला जाता है? यानी कि जो ऑयल ऑफ विट्रोल है वो किस तत्व का दूसरा नाम है? किस तत्व का दूसरा नाम है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी मरकरी, तांबा और क्लोरीन। चार ऑप्शन है, आपको 4 सेकंड का समय है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चार ऑप्शन चार सेकंड जल्दी से बताइएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ बिल्कुल राइट, जिसने ए आंसर दिया है बिल्कुल राइट है। जो ऑयल ऑफ पेट्रोल बोला जाता है वो बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको बोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ पेट्रोल बोला जाता है। और इसको दूसरा नाम भी है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको अम्लराज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अम्लराज भी इसको बोला जाता है, या अम्लों का राजा भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अम्लों का राजा या किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से भी इसको सल्फ्यूरिक अम्ल को जाना जाता है। अभी सबके जवाब देंगे, कमेंट के बाद में सबके जवाब देंगे। पहले देखिए आप, ऑयल ऑफ विट्रोल किस तत्व को बोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को, अम्लराज भी इसको बोला जाता है, और किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी अल्बर्ट नोबेल और ऑप्शन डी थॉमसन। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था बताना है आपको, जल्दी से बताइए। चार ऑप्शन चार सेकंड जल्दी से बताइए। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, नोबेल, अल्बर्ट नोबेल और थॉमसन। चार ऑप्शन चार सेकंड जल्दी से बताइए। जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। और परमाणु सिद्धांत क्या है? सिद्धांत के अनुसार क्या है? परमाणु होता है सबसे छोटा अणु, जो तत्व का सबसे जो छोटा कण होता है वो परमाणु कहलाता है। परमाणु में एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर चक्कर कुछ तत्व होते हैं, कुछ कण होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। क्या होते हैं? कुछ कण होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन था। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर और आ रहा है मुझे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर आपको जो आवेश होता है वो होता है ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है, धनावेश नहीं करना है आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है जेट में पूछा गया है, इसको थोड़ा हल्के में मत लीजिएगा। क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान होगा, अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान होगा। देखो यहाँ पर अम्लीय वर्षा दी गई है, यहाँ पर सामान्य वर्षा नहीं दी गई है, अम्लीय वर्षा दी गई है। देखो चार ऑप्शन है, चार सेकंड है, चार ऑप्शन चार सेकंड जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है इसका आंसर। चार ऑप्शन चार सेकंड जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जिसने भी ए ऑप्शन दिया है 5.5 वो क्या है? बिल्कुल राइट है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो क्वेश्चन को आप, अगर आंसर आपको नहीं भी आ रहा होता तो भी आप इसको राइट कर सकते थे। देखिए सबसे पहले क्या है, जो पीएच स्केल होती है उसमें जो 7 वाला तत्व होता है वो क्या होता है, जहाँ पर 7 वैल्यू होती है वो होता है उदासीन। वो क्या होता है? उदासीन होता है। और 7 से कम की जितनी भी वैल्यू होती है वो होती है अम्लीय। 7 से कम की जितनी भी वैल्यू होती है वो क्या होती है? अम्लीय होती है। और 7 से ऊपर की जितनी भी वैल्यू होती है वो क्या होती है? क्षारीय होती है। तो यहाँ पर देखो ये जो तीनों हैं ये क्षारीय हैं और ये वाली क्या है? ये अम्लीय है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा? अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान होगा 5.5। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। एक बार फिर से सुनिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। देखो इस वीडियो के लास्ट में मैं 3 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ऐसे रामबाण सवाल बताऊंगा आपको, ये सवाल आपको समझ में भी आएंगे और कभी भूलोगे भी नहीं। और ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, और केमिस्ट्री के अलावा अगर आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देते हो तो उसमें भी ये सवाल पीछे पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और जो आपके फ्रेंड्स हैं उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, लिंक को शेयर करिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, देखो अब पीछे जो क्वेश्चन था वो था अम्लीय वर्षा, अब पूछा है साधारण वर्षा। तो अम्लीय वर्षा और साधारण वर्षा अलग अलग होती है। तो अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान पूछा है, तो वापस से अम्लीय वर्षा जल जो होता है, साधारण वर्षा जल या वर्षा जल जो होता है वो होता है उदासीन। तो उसका जो पीएच मान होगा वो क्या होगा? 7 होगा। वैसे जो अम्लीय वर्षा, सॉरी जो साधारण वर्षा जल होता है ना वो हल्का सा अम्लीय होता है। तो इसका जो इसकी जो
एग्जिट वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी 6.7 के समथिंग होगी, 6.7 के समथिंग, ये 7.5 के समथिंग होती है। तो वर्षा जल अगर पूछ लिया जाए आपसे, इसे अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय होता है, उदासीन होता है या क्षारीय होता है, तो वर्षा जल जो होता है वो होता है हल्का अम्लीय। अगर पीएच पूछा जाता है तो पीएच क्या होगा, 7 होगा। अगला सवाल है परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, अगला सवाल है परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, ऑप्शन ए निकोलस, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी कैवेंडिश और ऑप्शन डी जेकब। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, 4 सेकंड का आपको समय दिया गया है। चलो एक बार आपको 1 सेकंड प्लस दे देता हूँ, 5 सेकंड का समय, बताइए आप परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, निकोलस, रदरफोर्ड, कैवेंडिश, जेकब। चार ऑप्शन पाँच सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी। जी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, जिसने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है आपका, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया था, परमाणु में नाभिक की खोज की थी, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज की थी ये रदरफोर्ड वाले भाई साहब ने। रदरफोर्ड जो भाई साहब थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने परमाणु नाभिक की खोज की थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले, पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है। ये पटवारी और जो दूसरे एग्जाम होते हैं ग्राम सेवक उनमें भी ये सवाल आया हुआ है, पीछे पूछा गया, आरएस तक के एग्जाम में ये पूछा गया है, ध्यान से इसको करिएगा थोड़ा। देखो ऑप्शन ए है तांबा प्लस जस्ता, ऑप्शन बी है तांबा प्लस कांसा, ऑप्शन सी जस्ता प्लस कांसा और ऑप्शन डी तांबा प्लस लोहा। तो देखो चार ऑप्शन चार सेकंड का समय है, ध्यान से बताइए इसको कौन सा इसका राइट आंसर होगा, चार ऑप्शन चार सेकंड। जी बिल्कुल बिल्कुल राइट है आपका आंसर, बिल्कुल जिसने भी आंसर दिया है 19 नंबर का आंसर दिया है ऑप्शन ए, वो बिल्कुल राइट आंसर है, तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। पीतल किससे मिलकर बना है, पीतल बनता है तांबा और जस्ता से मिलकर, पीतल किससे बनता है, तांबा प्लस जस्ता से मिलकर पीतल बनता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किसे जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किसे जाता है, ऑप्शन ए निकोलस, ऑप्शन बी प्रिस्टले, ऑप्शन सी कैवेंडिश और ऑप्शन डी जेकब। तो इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, चार ऑप्शन चार सेकंड का समय है, आंसर टाइप करिए जल्दी से। हो सकता है मैं 4 सेकंड की जगह आपको 3 सेकंड ही दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा फास्ट बोलने की आदत है मुझे, तो करिए आप कमेंट। जी बिल्कुल जिसने बी ऑप्शन दिया है, बी वाला ऑप्शन जिसने आंसर दिया है, प्रिस्टले बिल्कुल राइट आंसर है, प्रिस्टले बिल्कुल राइट आंसर है। ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किसको जाता है, प्रिस्टले को जाता है। रे भाया थारो ध्यान किधर है, किधर है, वीडियो पूरी देख के जाइएगा एक बार। तो देखो आंसर क्या है, आंसर बी प्रिस्टले, प्रिस्टले बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्री भाई मनोज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इसका जो छोटा भाई है, इसका जो छोटा भाई वाला चैनल है वो चैनल है इंपीरियल एग्रो क्लासेस, उसको भी सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड होती है, वहाँ पर जो अपलोड होने वाली वीडियोस हैं वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इंपीरियल एग्रो क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा। और साथ में आपको 2 लिंक और दूंगा मैं, एक केमिस्ट्री की वीडियो का और एक बायोलॉजी की वीडियो का, जो सैंपल वीडियोज़ हैं बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई हैं, उनको भी आप देखिएगा और फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, मृदा किस प्रकार का मिश्रण है। मिट्टी यानी कि मृदा यानी कि रेत किस प्रकार का मिश्रण है, ऑप्शन ए समांगी, ऑप्शन बी विषमांगी, ऑप्शन सी सरल और ऑप्शन डी जटिल। तो देखो चार ऑप्शन चार सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए मृदा किस प्रकार का मिश्रण है। ऑप्शन ए समांगी, ऑप्शन बी विषमांगी, ऑप्शन सी सरल, ऑप्शन डी जटिल। मृदा किस प्रकार का मिश्रण है कमेंट बॉक्स में करके बताइए, 4 सेकंड का समय है, 4 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए। जिसने भी ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, समांगी। मृदा किस प्रकार का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। देखो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। जो समांगी मिश्रण होता है उनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उनमें मुख्य रूप से केमिकल या रसायन वाले तत्व पाए जाते हैं जिनको अलग अलग नहीं किया जा सकता और जिनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है। और जो विषमांगी मिश्रण होते हैं उनकी सबकी प्रकृति क्या होती है, लगभग सेम होती है। तो जिसने भी राइट आंसर दिया समांगी ए मिश्रण बिल्कुल राइट है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं,
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, लोहे पर जंग लगने की क्रिया होगी, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया या क्रिया कहलाएगी। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी दोनों ही, और ऑप्शन डी दोनों ही नहीं। तो देखो चार ऑप्शन है, चार सेकंड का समय है आपके पास, चार सेकंड का समय है आपके पास कमेंट करके बताना है, चार सेकंड का समय है कमेंट करके आपको बताना है, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों ही नहीं, दोनों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, आपको बताना है। लोहे पर जंग लगना बिल्कुल, जिसने ए वाला ऑप्शन बताया है या आंसर दिया है बिल्कुल राइट है, ऑक्सीकरण। कौन सी क्रिया है? लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे भारी। ये हमारे चैनल का लोगो है, ये देखिए ये हमारे चैनल का लोगो है इंपीरियल एग्रो क्लासेस के नाम से, बस इसका कलर पीला मिलेगा आपको यूट्यूब पर, बाकी सेम है। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ऑस्मियम, लोहा, लिथियम और लूनर डस्ट, सबसे भारी जो धातु है वो कौन सी है? ऑस्मियम, लोहा, लिथियम और लूनर डस्ट, कमेंट करके बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चार ऑप्शन, चार सेकंड का समय है, कमेंट करके बताइए जी। जिसने भी ऑप्शन ए दिया है आंसर बिल्कुल सही है, ऑस्मियम, ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है। ऑस्मियम क्या होती है? सबसे भारी धातु होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो सबसे हल्की धातु कौन सी होगी? सबसे हल्की धातु होगी लिथियम। लिथियम क्या होगी? सबसे हल्की धातु होगी, और जो ऑस्मियम है वो सबसे भारी धातु होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है या अवरूप है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अवरूप हैं? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी बेरिलियम, ऑप्शन सी मिश्र धातु, और ऑप्शन डी कोई नहीं। कमेंट करके बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, चार ऑप्शन, चार सेकंड का समय है, कमेंट करिए, कमेंट करके बताना है जी। बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए कार्बन। कार्बन क्या है? हीरा और ग्रेफाइट इसका क्या है? अवरूप है। हीरा और ग्रेफाइट किसका अवरूप है? कार्बन का अवरूप है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अवरूप है, और कार्बन इसका सही आंसर माना जाएगा। अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई है, परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई है, आपको बताना है। ऑप्शन, चार ऑप्शन, चार सेकंड का समय है, कमेंट करके बताइए। रिएक्टर, फर्मी, मर्केली, माइक्रोन, रिएक्टर, फर्मी, मर्केली, माइक्रोन, कौन सा इसका सही आंसर होगा बताइए, कमेंट करके बताइए जी। बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन बी वाला आंसर दिया है, फर्मी बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी बी आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर है, फर्मी, फर्मी इसका राइट आंसर होगा। परमाणु की त्रिज्या को किससे व्यक्त किया जाता है? फर्मी से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? फर्मी से व्यक्त किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़, अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद में आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जो हमारा चैनल का लिंक है उस पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद में आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियोज़ मिल जाएंगी, उन वीडियो को देखना है, अपना सपोर्ट दिखाएं, ताकि आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अच्छी अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड हो सके। तो ये आज की लाइव क्लास में बस इतना ही, और कल फिर मिलते हैं कुछ नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर ठोक के जाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।